हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके वर्कशीट चल रहे हैं मार्च महीने के, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। कक्षा 6 का सब्जेक्ट रहेगा हमारा अंग्रेजी सामान का वर्कशीट है जो 2021 में चल रही है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है विद्यार्थी के नाम के स्थान पर, ठीक है। फिर पिताजी का नाम आपको इस लाइन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद शाला का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, कक्षा आपको यहाँ पर शिक्षित डाल देनी है, ठीक है। जो आपका प्राप्तांक रहेगा वो रहेगा आपको 50 नंबर का, पूर्णांक जितने आप ला सकते हैं उतना आधे लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पूर्णांक 50 का रहेगा, प्राप्तांक सॉरी रहेगा आप जितना ला पाए, ठीक है। और हस्ताक्षर यहाँ पर रहेंगे जांचकर्ता के, ठीक है। इसी प्रकार हम आपको लगातार मार्च महीने का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो कक्षा 6 की नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ ही आप चैनल पर जाकर भी सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट एनी 5। तो सही विकल्प चुनकर कोई 5 लिखने हैं। 8 लाइक द स्पाइडर सक्सेसफुल इन क्लिंबिंग टू वर्ड का द बॉल पे सक्सेसफुली चढ़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड है, सेकंड में हमारा जो वाज ए कौरव प्रिंस, तो कौन दुर्योधन था, कौरव प्रिंस था, कालिस्तान वाज ए कौरव प्रिंस, तो दुर्योधन था ना कि आपको पता है सहदेव नहीं था, युधिष्ठिर भी नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हैव असेंबल्ड ऑन द प्ले ग्राउंड, तो यह क्या हो जाएगा, एनुअल स्पोर्ट्स डे का डे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट का हो जाएगा हमारा इंस्पेक्शन, फिर हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमारा किचन हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग किचन की KITCHEN किचन, इस तरीके से हमारी किचन हो जाएगी, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन से MR, सॉरी ये हमारा हो गया था, फिर ये कालिस्तान लुक से आफ्टर अवर चीट, तो डेंटिस्ट, इसका आंसर डेंटिस्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखते चलिए, फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स यानी 5। तो बच्चों सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द बनियान ट्री इज खालिस्तान बिगेस्ट ट्री इन अवर विलेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर किसका हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपरेटिव डिग्री ऑफ स्लो, स्लो की क्या हो जाएगी, स्लोअर, SLOWER, स्लोअर, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड खालिस्तान इन ए कैप, तो इनमें इन आ जाएगा, ठीक है। फिर हम चौथा भी देख सकते हैं, वन डे द किंग वाज सा, तो किंग ने क्या देखा, स्पाइडर देखा था, क्या देखा था किंग ने, स्पाइडर देखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ही वाज वेरी सैड एंड वरीड, या वरीड इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से वरीड आपको लिखना है, क्या आएगा, WORRIED, ठीक है, ED, इस तरीके से आपको वरीड कर देना है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि द टीचर टू प्रो, यहाँ पर आपका ऑप्शन है प्रॉम्प्ट स्टॉप, तो यहाँ पर आया है प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला आप आंसर भर देंगे तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए लिटिल सीड वाज खालिस्तान डीप इन द सोयल, तो इसमें आ जाएगा वरीड, ठीक है, इसमें आ जाएगा वरीड, इस तरीके से आपको भर देना है फर्स्ट वाला। फिर आगे इस प्रकार देख सकते हैं, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो यहाँ पर हमें सही जोड़ियाँ बनानी है। तो द स्टोरी इज अबाउट, तो किसके बारे में थी, ये 50-year-old बनियान ट्री के बारे में स्टोरी थी हमारी। फिर है द चिल्ड्रेन, तो क्या स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज, स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज, ठीक है, दूसरे का हो जाएगा। फिर तीसरा है द पीपल, तो क्या हो जाएगा, सेट अंडर टेक रेस्ट, इस तीसरे को यहाँ से आपको मिला देना है, ठीक है। चौथा है द रेनफॉल, तो यहाँ पर एंड द सी वर्क अप फ्रॉम हिज स्लीप। फिर पाँचवा हो जाएगा हमारा टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं, रीड द लेसन, हमें क्या पढ़ना है अपनी पाठ पुस्तक से, यहाँ पर देखिए बीरबल एंड द वर्मन नाम पाठ पढ़े, और नीचे दिए गए कथनों का उत्तर हमें देना है, ठीक है। तो पहला बीरबल वाज ए किंग, तो क्या बीरबल राज था, तो बीरबल राज नहीं था, तो यहाँ पर आपको नो भर देना है। फिर है क्या है, दीनू वाज ए मिनिस्टर, तो यही भी नहीं, मिनिस्टर नहीं था, यहाँ पर भी नो भर देना है। फिर है कुसुम बाज दीनू वाइफ, तो यह दीनू की वाइफ थी, तो यहाँ यस भर देना, लास्ट वाले में भी आपको नो भर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दिए गए शब्दों में एल वाई जोड़कर शब्द बनाइए, तो एल वाई जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। तो लाउड का क्या हो जाएगा, लाउड का हो जाएगा लाउडली, क्विक का हो जाएगा क्विकली, प्रॉपर का हो जाएगा प्रॉपरली, हेल्पफुल का हो जाएगा हेल्पफुली, और सक्सेसफुल का हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको भर देना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर देख सकते हैं, राइट 5 सेंटेंस अबाउट गांधी जी एंड हिज लाइफ विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स फुल नेम। तो हमें क्या है, तो दिए गए शब्दों की सहायता से गांधी जी और उनके जीवन के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो हम शब्द हम देख लेते हैं, फुल नेम पहला शब्द है, सेकेंड है हिज फादर, थर्ड है हिज मदर, फिर है हिज वाइफ, हिज डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर और हिज बर्थ प्लेस। तो इन 5 जो शब्द दिए गए इन्हीं शब्दों से हमें क्या करना है, गांधी जी के जीवन के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। आपको उन्होंने कितने 5 वाक्य लिखने हैं, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वाक्य होंगे। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसमें क्या, फुल नेम को लेकर हमने पूरा एक वाक्य बना दिया, हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा है हिज फादर नेम वाज करमचंद्र गांधी, ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद्र गांधी। तीसरा हो जाएगा हिज मदर नेम वाज पुतली बाई, उनकी माता का नाम क्या था, पुतली बाई। चौथा है महात्मा गांधी वाज हुआ था 2 अक्टूबर, यानी कि जो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था और हुआ कहाँ पर था, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था 1869 में, यानी कि 1869 में उनका गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, उनकी माता जी का नाम था पुतली बाई और उनके जो बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, उनका फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमें भरना है इनको क्या, टिक लगाना है इस तरीके से, आपको सारे को फिल कर देना। क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में आपको क्या करना है, पहले में आपका क्या आएगा, क्विकली आएगा। यहाँ पर देखिए QUICKLY, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से गोल टिक लगा देना है क्विकली पर। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा भी देख लेते हैं हम। दूसरा हमारा यहाँ पर दिया गया है क्या है, दूसरा आएगा कम्फर्टेबली। तो यहाँ पर देखिए कम्फर्टेबली आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से मार्क कर देना गोल गोल। फिर आएगा लाउडली, तो लाउडली आपको थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ पर देखिए लाउडली आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, लाउडली आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारा इसके बाद हमारा लाउडली के बाद है हमारा इसी तरीके से रियली है हमारा एक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रियली हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसी प्रकार आपको भर देना है। ठीक है बच्चों, अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो आपका जो आंसर रहेगा बिल्कुल ही राइट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट को फिल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी वर्कशीट को भर देंगे तो आपके फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने देख लिया आपके जो इंग्लिश की वर्कशीट थी क्लास 6 की, आप इन सभी के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे और जो इसे नोट करना चाहते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। सारे का सॉल्यूशन आपका जो था पूरा हमने बता दिया, इस तरीके से चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, बहुत ही पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज हमने क्या देख लिया। तो आज हमने देख लिया कक्षा 6 का आपका विषय अंग्रेजी का सामान का माह मार्च का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दोस्तों आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे और इसके कक्षा 6 के अदर सब्जेक्ट के जैसे कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ के सॉल्यूशन हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप चैनल पर जाकर वीडियो ऑप्शन में भी देख सकते हैं। तो बच्चे आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।